आया हो नर्मदा कैनाल पे, तो देखिए गाइस ये पूरी नर्मदा कैनाल जा रही है और जहाँ से मर रही है वो नदी, तो ये देखिए और एक नदी, मतलब नदी के ऊपर ये पूरा कैनाल जा रहा है, तो ऐसा कुछ मतलब इधर से भी। और गाइस वो देखिए उधर पावागढ़, नर्मदा कैनाल पे, तो ये रही देख नर्मदा कैनाल है, ये पूरा मतलब छत वाला इलाका है और इधर से पानी जा रहा है। तो बस इधर हम लोग आए थे घूमने के लिए, तो बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है और एकदम एक नंबर मतलब व्यू है, तो इसीलिए मतलब मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा व्लॉग बना लेता हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं और हमारे चैनल पर कोई व्लॉग भी नहीं आया अच्छा सा, तो इसलिए स्पेशली मैं नर्मदा कैनाल पर मतलब आया था अपना व्लॉग शूट करने के लिए और बाइक लेकर आया हूँ। वो रही अपनी स्प्लेंडर रानी उधर खड़ी है और इस तरफ देखिए कितना बढ़िया व्यू है आपको मैं देखिए गाइस, ये पूरी नर्मदा कैनाल जा रही है और जहाँ से मतलब कि नीचे से और एक नदी जा रही है उस वो उस तरफ से दिख सकती है, तो मैं आपको वो भी नदी इस तरफ से दिखाता हूँ। और मेरे साथ आया था मेरा एक फ्रेंड जो उधर अकेला बैठ गया है, क्योंकि मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं नहीं आना चाहता है, तो बस इसलिए अभी इस तरफ आए थे घूमने के लिए थोड़ा सा, तो घूमते और बाद में जाते हैं। इधर से और एक नदी जा रही है, देखिए नीचे से जा रही है वो नदी, तो ये देखिए और एक नदी, मतलब नदी के ऊपर ये पूरा कैनाल जा रहा है, तो ऐसा कुछ मतलब इधर से व्यू। और कितना ऊंडा है, कितना ऊंचा है देखिए ये, और इधर से एक नदी जा रही है, मतलब ये नदी कौन सी है वो मेरे को पता नहीं है, पर ये कैनाल जो जा रही है ना वो नर्मदा, तो थोड़ा सा फोटो शूट करता हूँ और बाद में चले जाते हैं घर की तरफ चलते हैं। तो बस मैंने इधर आके ही ब्लॉग स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा प्लान में था नहीं कुछ, तो इसीलिए मतलब इधर आके, और देखिए पीछे मतलब पावागढ़ भी आता दिख ही रहा है वो, देखिए तो वो रहा पावागढ़। और पावागढ़ भी मतलब जाने की इच्छा है, पर अभी तो नहीं जा सकते, क्योंकि अभी हमारा कुछ और प्लान बन रहा है, कल या फिर दो दिन बाद हम पटना जाने की सोच रहे हैं, पटना बीच है ना उधर हम जाने वाले हैं, तो अभी देखते हैं कब जाते हैं वो, तो पटना बीच जाएंगे या फिर वाटरफॉल जाएंगे, तो अभी देखते हैं कब जाएंगे। एकदम एक नंबर व्यू है, पीछे पावागढ़ भी दिख रहा है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। वो देखिए उधर पावागढ़, कितना बढ़िया मतलब व्यू आ रहा है पावागढ़ का, और ये मतलब पूरा ग्राउंड जैसा है, पर इस तरफ मतलब इसके भी नीचे से पानी जा रहा है, तो एक नंबर मतलब इधर से व्यू आता है, इसीलिए मैं इधर आया था देख घूमने के लिए और आप लोगों को भी दिखाने के लिए। अभी धूप बहुत ज़्यादा है, पर क्या करें, वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा, इसीलिए ही हम आए हैं। तो चलिए वीडियो शूट करके बाद में चल जाते हैं घर की तरफ, शूट करने के लिए ही आया था। अभी वीडियो शूट थोड़ा हो चुका है 2-3 मिनट का, और बाद में 2-3 मिनट का मोटा व्लॉग हो जाएगा, तो ऐसे ही मतलब कुछ भी मतलब अभी तो नहीं डाल रहा, पर अच्छा व्लॉग डाल रहा हूँ आप लोगों के। तो चलिए अभी चलते हैं घर की तरफ, थोड़ा सा वीडियो शूट करते हैं और फोटो शूट अभी करते हैं हम लोग। फोटो शूट आपको अंदर वीडियो में देखने को मिल जाएगी, आप देख लेना, अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना वीडियो को, और इंस्टाग्राम आईडी पे डालने वाला हूँ, तो इंस्टाग्राम को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। फोटो शूट कर लिया और आपने स्लाइड भी देख ली होगी फोटो शूट की, तो ये देखिए ये था पीछे, तो ये भी आया था मेरे साथ जो इधर बैठा था। तो चलिए अभी चलते हैं घर की तरफ, और एकदम नर्मदा कैनाल एकदम बहुत बढ़िया दिख रही है, देखिए इस तरफ नर्मदा कैनाल है और उस तरफ पावागढ़ है, तो मतलब एकदम बढ़िया लोकेशन है। तो फिर चलिए चलते हैं घर की तरफ, आप तब तक मोटो वोटो कैंजो कीजिए।
सो गाइस अभी मैं कब का घर पे आ चुका था पर मैंने व्लॉग नहीं शूट किया था, तो अभी बस अपना व्लॉग स्टार्ट किया कर रहा हूँ घर पे आके। मतलब देखिए अभी कितने बजे हैं, मैं आपने अभी बज रहे हैं रात के 11:07 हो चुकी है, 11:07 हो चुकी है अभी तो मतलब व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो मतलब कि व्लॉग एंड करना है ऐसे तो समझ लीजिए ना। तो नए वाले घर में के लिए मैं सोना आया था नए वाले घर में, और इधर मतलब इधर मैं सो रहा था और ये देखिए उधर कूलर चल रहा है तो अच्छे से मतलब ठंडक हो जाती है, तो कोई बात नहीं। और आज हम लोग गए थे नर्मदा कैनाल पे, तो आपको ब्लॉग कैसा लगा? अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो जल्द से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस वाले ब्लॉग को, क्योंकि मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाजू में सब लोग सो रहे हैं इसीलिए। तो अच्छे से आप लोग सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, 305 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो जल्दी से हमें 400 ख़त्म कर ले, तो जल्द से आगे 400 कर दीजिए हमारे सब्सक्राइबर, और मिलते हैं कैसे नए ब्लॉगों में, चलिए चलते हैं। जीत भले आ जाए मौत अब हुआ कामयाब, ना बचा किसी का खौफ अब, शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा।